हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस सोन। आज मैं आपके लिए इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बचे हुए चावल से बनाएंगे। ये स्नैक्स खाने में जितने क्रिस्पी होते हैं उतनी टेस्टी भी बनेंगे। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, और साथ में जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्नैक्स बनाने के लिए जो बचे हुए चावल हैं उसे हम मिक्सी में डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। चावल पीस गए हैं, आप इसे हम बाउल में अलग से निकाल लेंगे। अब हमें 2 से 4 बॉइल्ड पोटैटोस लेने हैं, जिसे हमने मैश कर लेना है और उसे राइस में ही मिक्स करना है। इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। एक बार एक कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे बड़ी वाली। एक बार एक कटी हुई गाजर डालेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। दो से तीन कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। एक चम्मच नमक डालेंगे, हाफ टेबल स्पून भुना हुआ जीरा डालेंगे, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है, ऐसे हाथों से कश करके डाल दीजिएगा। थोड़ा सा ऑरिगेनो डालें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालें। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। एक नींबू का जूस निकाल कर उसे भी डाल दें। अब इसमें ब्रेड क्रम्स डालें, आप इसे घर में भी बना सकते हैं। आपके पास ब्रेड बच जाती है तो थोड़ी सी वो ड्राई हो जाती है, उसे आप मिक्सी में पीस लें तो ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे, आप उसे मिक्स कर सकते हैं इसी में। इन सभी चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लें अच्छे से और एक डो बना लें। ब्रेड क्रम्स आपने उतने डाले जितनी आपको इस मिक्सचर में ज़रूरत पड़े, और एक अच्छा सा डो बनकर बस तैयार हो जाए। स्नैक्स बनाने से पहले हम इसके साथ खाई जाने वाली चटनी बनाएंगे। मैंने इसके लिए हरा धनिया लिया है, जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है और उसे मैंने डंडियों के साथ ही मिक्सी में ट्रांसफ़र किया है। इसमें ही हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2-3 हरी मिर्ची। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे और एक लेमन का जूस निकाल कर वो भी डालेंगे, और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे।
लीजिए, हमारी चटपटी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं स्नैक्स की तरफ। अब स्नैक्स के लिए जो हमने मिक्सर बना के रखा था उसे हम थोड़ा सा लेकर शेप बना लेंगे। इस तरह की शेप दे दीजिए, चाहे आप उसको टिक्की की शेप दें, चाहे स्टार की, चाहे हार्ट की। आपके पास कटर है तो आप कटर से भी काट सकते हैं। एक पैन में हम तेल गरम कर लेंगे और उसमें हम सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेंगे। सारे स्नैक्स को पलट पलट कर फ्राई कर लेना है। सारे स्नैक्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमारे स्नैक्स सर्व करने के लिए रेडी हैं। बहुत ही कुरकुरे और डिलीशियस बने हैं स्नैक्स, आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में इसे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।